अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए, और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है, PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी, आईआईटी, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2021 का जो आपका टीयर टू का रिजल्ट है उसका डिक्लेरेशन हो चुका है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की यहाँ पे गाइस लिस्ट भी जारी कर दी गई है। जिन भी कैंडिडेट्स की यहाँ पे जो कॉपी है वो टीयर थ्री की इवेल्युएट की जाएगी, उनकी यहाँ पे लिस्ट भी रिलीज कर दी गई है। तो चारों लिस्ट आपकी आ चुकी है और चारों ही आपके जो लिस्ट की उनकी कट ऑफ भी रिलीज कर दी गई है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि क्या कट ऑफ आपकी गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे लिस्ट वन की कट ऑफ की, जो कि आपकी यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की होती है। तो जो आपकी टीयर वन और टीयर टू की जो कम्बाइंड कट ऑफ आती है उसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी की जो यहाँ पे कट ऑफ गई है वो यहाँ पे आपकी 500 गई है। एसटी कैटेगरी की गई आपकी यहाँ पे 491 गई है। ओबीसी कैटेगरी की गई आपकी यहाँ पे 542 गई है। एंड उसके बाद अगर देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो आपकी यहाँ पे 532.79 गई है। यूआर कैटेगरी की गई यहाँ पे 589.31 गई है। तो टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं वो यहाँ पे आपके 2605 सिलेक्ट किए गए हैं। अब इन्हीं लोगों की गाइस यहाँ पे टीयर थ्री की कॉपी चेक की जाएगी। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे लिस्ट टू की। तो जो लिस्ट टू की आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पे आपकी जाती है जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की। तो जो लिस्ट टू है उसकी कट ऑफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 486 गई है। एससी कैटेगरी की 477, ओबीसी कैटेगरी की 546.64, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 364.49 एंड उसके बाद यूआर कैटेगरी की 546.64 गई है। एंड गाइस यहाँ पे जो टोटल आपके कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए गए हैं जिनकी कॉपी यहाँ पे टीयर थ्री की चेक होगी तो वो 511 कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे लिस्ट थ्री की कट ऑफ की, जो कि गाइस यहाँ पे आपकी होती है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए। तो इसके लिए टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो 2632 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ आपकी यहाँ पे पेपर वन और पेपर टू की मिला के, टीयर वन टीयर टू की मिला के है। कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं यूआर कैटेगरी की 416 है, ईडब्ल्यूएस की 351 है, ओबीसी कैटेगरी की 271 है, एससी कैटेगरी की 203 है, एससी कैटेगरी की 218 है। तो इसे आप लोग चेक कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे लिस्ट फोर की कट ऑफ की। तो जो लिस्ट फोर की कट ऑफ है वो बाकी अदर जितनी भी यहाँ पे पोस्ट है उन सभी के लिए है। ज्यादातर नंबर ऑफ कैंडिडेट इसी पोस्ट में, इसी लिस्ट में सिलेक्ट होते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 32641 यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है जिनकी कॉपी यहाँ पे टीयर थ्री की चेक होगी। इसमें अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 423.11 है, यूआर कैटेगरी की कट ऑफ आप देख सकते हैं 478.55 है, ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 440.22 है, उसके बाद एसटी कैटेगरी की यहाँ पे 345.12 है एंड एससी कैटेगरी की 384.72 कट ऑफ गई है। तो इसे आप लोग चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपके जो यहाँ पे मार्क्स हैं वो यहाँ पे आपके लोड किए जाएंगे जितने भी क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं 21 तारीख को। तो 21 अक्टूबर से लेकर के आप लोग अपने जो मार्क्स है वो चेक कर पाएंगे 10 तारीख तक, लेकर के 10 नवम्बर तक आप लोग अपने जो मार्क्स हैं उन्हें चेक कर पाएंगे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को डाल करके। साथ ही गाइज आपके यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपकी आंसर कीज है, फाइनल आंसर कीज, वो अपलोड की जाएंगी 26 तारीख को। तो 26 अक्टूबर से ही फिर आप लोग एक महीने के लिए अपनी जो आंसर कीज है उसे यहाँ पे चेक कर पाएंगे, लिखा हुआ है एक महीने के पीरियड में ही आपको ये अवेलेबल कराई जाएंगी, तब आप इन्हें चेक कर पाएंगे। होप सो गाइस ये सारी चीज आपको कम्प्लीटली समझ में आ गई होंगी। साथ ही दोस्तों अनअकैडमी आप सभी के लिए यहाँ पे 7 डेज फ्री ट्रायल लेके आया है। तो आप 7 डेज फ्री ट्रायल के अंदर फ्री में एनरोल कर सकते हैं सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड सभी को इसमें एनरोल करना है क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, आप लोगों को 7 डेज का यहाँ पे फ्री ट्रायल दिया जा रहा है प्लस के सब्सक्रिप्शन का। तो सबसे पहले स्टेप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप लोग जाएंगे, जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल करके अपने आपको रजिस्टर करेंगे। उसके बाद गाइज आप लोगों को यहाँ पे गोल सिलेक्ट करना है, एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल रेलवे एग्जाम कैटेगरी। उसके बाद आप लोग अपना कोड एक्टिव करना है, कोड है आपका गाइस PMYT। PMYT कोड लगाने से ही गाइस आप यहां पे इसे अनलॉक कर पाएंगे। PMYT कोड लगाते ही देन उसके बाद आपका जो फ्री प्लान है एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोग अपनी लर्निंग स्टार्ट करेंगे, 7 डेज आप लोगों को डेडिकेटेडली पढ़ना है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है, देन आप लोग आगे का डिसाइड कर पाएंगे। साथ ही गाइस अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या
या फिर आइकॉनिक के साथ आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज है अकेडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है। तो PMYT कोड नोट कर लीजिए, कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए।